इस वक्त की बड़ी खबर, दुष्कर्म एक आरोपी आत्महत्या के दुष्प्रेरण एवं मारपीट के 6 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव पुलिस अधीक्षक जनपद के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एवं क्षेत्राधिकारी सफीपुर कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं। अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर 84 पुलिस द्वारा दुष्कर्म के एक आरोपी आत्महत्या के दुष्प्रेरण एवं मारपीट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 18/3/2024 को थाना फतेहपुर 84 क्षेत्र अंतर्गत निवासिनी 24 वर्षीय युवती अपने घर में दुपट्टे से फांसी लगा ली। युवती का रोहित निषाद पुत्र श्रीपाल उम्र करीब 25 पर निवासी टिकाऊपुरवा थाना फतेहपुर 84 जनपद उन्नाव में प्रेम संबंध था। दिनांक 18/3/2024 को गांव के पार रोहित युवती को मिलते देख युवती के परिवार व्यक्तियों द्वारा रोहित उपरोक्त सभी के साथ मारपीट हो गई थी। आज दिनांक 19/3/2024 को निवासी संतोष राय मायर हमराह फोर्स द्वारा अभियुक्त गण रोहित पुत्र श्रीपाल निवास टिकाऊपुरवा थाना फतेहपुर 84 जनपद उन्नाव छोटू पुत्र रामकुमार मोहनलाल पुत्र रामनारायण विजय पुत्र मुन्नीलाल रामविलास पुत्र छेदीप विनोद पुत्र सदनु रजत पुत्र भूरे निवासगंज रूपपुर चंदेला थाना फतेहपुर 84 जनपद उन्नाव को ग्राम टिकाऊपुरवा से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 18/3/2024 को थाना फतेहपुर 84 क्षेत्र अंतर्गत एक युवती जिसकी उम्र 20 वर्ष थी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना फतेहपुर 84 की पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर पहचाननामे की कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ज्ञात हुआ कि मृतक युवती के संबंध पड़ोस गांव के एक युवक से थे। दिनांक 18/3/2024 को ही युवक और युवती को गांव के बाहर मृतका के परिवारजन द्वारा मिलते हुए देखा। इस पर उन लोगों ने युवक के साथ मारपीट की घटना की। इस संबंध में थाना फतेहपुर 84 में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को जो जिनकी संख्या 7 थी सभी को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया और वहां से जेल भेजा गया है।